कूटनीति के सेमिनार रायसीना डायलॉग के पांचवें संस्करण की दिल्ली में आज शुरुआत होगी। इसके उद्घाटन सत्र में पीएम मोदी मौजूद रहेंगे। दुनिया भर से 12 देशों के विदेश मंत्रियों समेत 104 देशों के प्रतिनिधि रायसीना डायलॉग में हिस्सा ले रहे हैं। भू राजनीतिक और भू आर्थिक मुद्दों पर भारत के इस महत्वपूर्ण वैश्विक सम्मेलन में 7 देशों के पूर्व राष्ट्र प्रमुख भी दुनिया के सामने मौजूद चुनौतियों पर अपने विचार रखेंगे। 3 दिन के सम्मेलन में जहां रूस, ईरान, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों के विदेश मंत्री हिस्सा लेंगे। अमेरिका के साथ चल रहे गंभीर तनावों के बीच ईरान के विदेश मंत्री जावेद जरीफ आज भारत पहुंचेंगे। वो आज से दिल्ली में शुरू हो रहे रायसीना डायलॉग में हिस्सा लेने भारत आ रहे हैं। बुधवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। माना जा रहा है कि इस बैठक में अमेरिका के साथ तनावों को कम करने के तरीकों पर चर्चा हो सकती है। निर्भया के दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई होगी। जस्टिस एनवी रमन्ना, जस्टिस अरुण मिश्रा, जस्टिस रोहिंगटन, जस्टिस आर भानुमति और जस्टिस अशोक भूषण दोषियों की क्यूरेटिव याचिका पर सुनवाई करेंगे। दोपहर 1:45 पर सुनवाई होगी। निर्भया के गुनहगार में से विनय शर्मा और मुकेश ने सुप्रीम कोर्ट क्यूरेटिव याचिका दाखिल की है। बता दें कि पटियाला हाउस कोर्ट ने दोषियों को फांसी की सजा देने के लिए डेथ वारंट जारी कर दिया है। CAA पर कांग्रेस की तरफ से बुलाई गई विरोधी पार्टियों की बैठक में विपक्ष का बिखराव साफ नजर आया है। सोमवार को कांग्रेस के बुलावे पर छोटी बड़ी 20 पार्टियों के नेता शामिल हुए, लेकिन इस बैठक से DMC, BSP, SP, TMK, शिवसेना, आम आदमी पार्टी समेत कई दलों ने हिस्सा नहीं लिया। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो कांग्रेस के सीनियर नेताओं का फोन तक उठाना मुनासिब नहीं समझा। तमिलनाडु में कांग्रेस के सहयोगी DMK के नेता भी स्थानीय राजनीति का हवाला देकर बैठक से दूर रहे। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा में सत्ताधारी पार्टी के नेता भी बैठक में नहीं आए। दक्षिण कश्मीर में 3 आतंकियों के साथ गिरफ्तार जम्मू कश्मीर पुलिस के DSP देवेंद्र सिंह के बारे में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। शुरुआती जांच में पता चला है कि आतंकी 26 जनवरी को दिल्ली को निशाना बनाने वाले थे, जिसकी मदद के लिए DSP देवेंद्र सिंह राजी हो गया था। आतंकियों को पहले चंडीगढ़ फिर दिल्ली पहुंचाया जाना था। इस काम के लिए DSP देवेंद्र सिंह ने मोटी रकम भी वसूल की थी। वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने खुलासा किया कि संदिग्ध गतिविधियों के लिए देवेंद्र सिंह पिछले 1 साल से अपने वरिष्ठ अधिकारियों के रडार पर था। दिल्ली के शाहीन बाग में धरने की वजह से सड़क बंद होने के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में दायर याचिका पर आज सुनवाई होगी। स्थानीय लोगों ने सोमवार को याचिका दायर कर धरने की वजह से बंद हुई सड़क को खुलवाने की मांग की है। गौरतलब है कि CAA के खिलाफ शाहीन बाग में सड़क नंबर 13A पर 15 दिसंबर से लोग धरने पर बैठे हैं, जिसकी वजह से दिल्ली और नोएडा को जोड़ने वाली कालिंदी कुंड सड़क बंद हो गई है। कालिंदी कुंड सड़क बंद होने के कारण लोगों को दिल्ली से नोएडा आने जाने में खासा परेशानी हो रही है। दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में छात्रों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने बड़ा कदम उठाया है। जामिया के वाइस चांसलर ने छात्रों के प्रदर्शन के कारण यूनिवर्सिटी की परीक्षा को रद्द कर दिया है। यूनिवर्सिटी प्रशासन जल्द ही परीक्षा का नया शेड्यूल जारी करेगा। 15 दिसंबर को जामिया में हुई हिंसा मामले में जामिया प्रशासन FIR दर्ज कराने के लिए कोर्ट जाने का विकल्प तलाश रहा है। हालांकि जामिया पहले ही FIR के लिए जामिया नगर SHO के पास शिकायत दर्ज करा चुका है। जामिया के मुताबिक जिसकी एक कॉपी दिल्ली के कमिश्नर और साउथ ईस्ट दिल्ली के DCP को सौंपी गई है। घायल छात्रों को मुआवजा देने की बात भी मानी गई है। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की SIT ने सोमवार को JNU छात्र संघ अध्यक्ष आयशी घोष समेत 3 आरोपियों से पूछताछ की। JNU हिंसा मामले में व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पुलिस ने 37 लोगों की पहचान की है। पुलिस ने सभी को नोटिस भेज दिया है। इनसे पुलिस अगले हफ्ते पूछताछ करेगी। JNU हिंसा में शामिल नकाबपोश लड़की की पहचान दिल्ली यूनिवर्सिटी की दौलतराम कॉलेज की छात्रा कोमल शर्मा के तौर पर हुई है। कोमल से संपर्क नहीं किया जा सका है क्योंकि उसने अपना फोन बंद कर लिया है। वहीं ABVP की राष्ट्रीय महासचिव निधि त्रिपाठी ने 5 जनवरी को कैंपस में हुए हमले की तुलना नक्सली हमले से की है। बीते दिनों अभिनेत्री दीपिका पादुकोण JNU में प्रदर्शन कर रहे छात्रों का समर्थन करने पहुंची थी। इसके बाद से ही दीपिका BJP के कुछ नेताओं के निशाने पर आ गई थी। अब योग गुरु रामदेव ने भी दीपिका पर निशाना साधा है। रामदेव ने कहा कि दीपिका को सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक समझ बढ़ाने की जरूरत है। बाबा रामदेव ने दीपिका को अपने जैसा सलाहकार रखने की नसीहत भी दे डाली। CAA पर विपक्षी दलों की बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। सोनिया गांधी ने एक प्रेस रिलीज जारी कर पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर CAA पर देश को गुमराह करने का आरोप लगाया। सोनिया गांधी ने कहा कि CAA के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे लोगों पर केंद्र सरकार ने अपना गुस्सा निकाला है, उन पर अत्याचार किए।
राहुल ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र युवाओं की आवाज सुनने की बजाय उन्हें बांटने की कोशिश कर रहा है। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था, बेरोजगारी और महंगाई पर पीएम मोदी पर सीधा हमला बोला है। राहुल ने कहा है कि पीएम मोदी देश के युवाओं, छात्रों के इन मसलों से जुड़े सवालों का जवाब नहीं दे सकते, इसलिए युवाओं, छात्रों की आवाज को कुचला जा रहा है। योगी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून को लागू करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यूपी में अब तक 21 जिलों में 32,000 से ज्यादा शरणार्थियों की पहचान की जा चुकी है। यूपी की राजधानी लखनऊ और नोएडा में पुलिस कमिश्नर सिस्टम लागू हो गया है। सोमवार को योगी कैबिनेट ने राज्य में कमिश्नर सिस्टम को लागू करने की मंजूरी दे दी। आईपीएस सुजीत पांडे लखनऊ के तो आलोक कुमार गौतम बुद्ध नगर से पहले पुलिस कमिश्नर होंगे। जम्मू कश्मीर के बड़गाम में सुरक्षा बलों ने हिजबुल मुजाहिदीन के एक आतंकी को मार गिराया। बड़गाम के चित्रगाम इलाके में दो आतंकवादियों के छिपे होने की सूचना के बाद सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। आतंकी एक मकान में छिपा था, जिसकी घेराबंदी कर आतंकियों को सरेंडर करने के लिए कहा गया। आतंकवादियों ने भागने की कोशिश की, जिसके बाद मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकवादी को मार गिराया। सर्च ऑपरेशन के दौरान मारे गए आतंकवादी से AK-47 राइफल, एक पिस्टल और 3 ग्रेनेड बरामद किए गए। CAA पर बीजेपी के खिलाफ विपक्ष की गोलबंदी के बीच आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में नया राजनीतिक समीकरण बनता हुआ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में जनाधार रखने वाली जन सेना पार्टी के अध्यक्ष और अभिनेता पवन कल्याण ने बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की। वाराणसी में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने वाले भक्तों के लिए राहत की खबर है। स्थानीय प्रशासन ने बाबा विश्वनाथ के मंदिर में ड्रेस कोड लागू करने के फैसले को वापस ले लिया है। वाराणसी के कमिश्नर दीपक अग्रवाल ने वीडियो जारी कर इसकी जानकारी दी। भोपाल से बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने खुद पर बड़ी साजिश की आशंका जताई है। साध्वी प्रज्ञा ने एक संदिग्ध चिट्ठी का हवाला देते हुए अपनी जान को खतरा बताया है। साध्वी को डाक से एक चिट्ठी आई है, जिसे उर्दू में लिखा गया है, जिसमें पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल और प्रज्ञा ठाकुर की फोटो पर क्रॉस बना हुआ है। चिट्ठी के साथ पाउडर भी मिला है। पुलिस ने पाउडर और उर्दू में लिखे पत्र को जांच के लिए भेज दिया है। दिसंबर महीने में खुदरा महंगाई बढ़कर 7.35% पर पहुंच गई। ये इसका 5 साल से अधिक सबसे ऊंचा स्तर है। इससे पहले जुलाई 2014 में खुदरा महंगाई दर 7.39% पर पहुंच गई थी। कर्नाटक के कनकपुरा में जीसस क्राइस्ट की मूर्ति बनवाने को लेकर विवाद बढ़ गया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता डीके शिवकुमार ने कनकपुरा के कपालीबेट्टा में जीसस की 114 फुट ऊंची मूर्ति बनाने के लिए न सिर्फ सरकारी जमीन दी, बल्कि मूर्ति बनवाने के लिए सहयोग करने की बात भी कही है। बीजेपी, आरएसएस और हिंदूवादी संगठनों ने इसके खिलाफ सोमवार को बेंगलुरु और हरोबेले में प्रदर्शन किया। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में सोमवार को आए एवलांच में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 17 लोग घायल हैं। पीओके की नीलम घाटी में आए एवलांच में 10 लोग लापता बताए जा रहे हैं। पुलिस प्रशासन लापता लोगों की खोज में है, साथ ही घायलों का अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। जम्मू कश्मीर के गांधरबल जिले में आए बर्फीले तूफान में 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान 61 वर्षीय मोहम्मद सादिक और उनके बेटे 22 वर्षीय शौकत अहमद के रूप में हुई। दोनों गांधरबल के कुल्लन गुंड इलाके के रहने वाले हैं। अचानक बदले मौसम से बद्रीनाथ धाम भी अछूता नहीं है। श्री बद्रीनाथ धाम में 7 फीट तक की बर्फ गिरी है, जिससे वहां का तापमान -13 तक पहुंच गया है। बर्फबारी से बद्रीनाथ धाम में पैदल चलने तक का रास्ता नहीं बचा है। श्री केदारनाथ धाम में लगातार हो रही बर्फबारी से 15 फीट तक बर्फ जमा हो गई है। केदारनाथ धाम में इस समय कोई कर्मचारी तैनात नहीं है और भारी बर्फबारी के कारण पूरा केदार धाम खाली कर दिया गया है। देश के उत्तरी राज्यों में अगले 24 घंटे में बारिश, बर्फबारी हो सकती है। पाकिस्तान में सक्रिय हो रहा पश्चिमी विक्षोभ बुधवार को देश के उत्तरी राज्यों में दस्तक दे सकता है। जेएनयू में 5 जनवरी को हुई हिंसा के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। जेएनयू के 3 टीचर्स ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर हिंसा से जुड़े सीसीटीवी फुटेज और व्हाट्सएप डेटा सुरक्षित रखे जाने के आदेश देने की मांग की है, जिससे हिंसा करने वाले लोगों के चेहरे दुनिया के सामने आ सके। सुप्रीम कोर्ट 1984 के दिल्ली दंगों के मामले में आज जेल में बंद सज्जन कुमार की याचिका पर सुनवाई करेगा। दिल्ली हाईकोर्ट ने 17 दिसंबर 2018 को 1984 में 5 सिखों की हत्या और राजनगर पाटू में एक गुरुद्वारे को जलाने का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई थी। सज्जन कुमार ने दिल्ली हाईकोर्ट के इस फैसले को चुनौती दे रखी है। मनी लॉन्ड्रिंग
लॉन्ड्रिंग केस में रॉबर्ट वाड्रा की मुश्किलें बढ़ सकती। ईडी की दिल्ली हाईकोर्ट में रॉबर्ट वाड्रा को मिली बेल को रद्द करने की मांग पर आज सुनवाई होगी। दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी ने मांग की है कि उन्हें रॉबर्ट वाड्रा की कस्टडी दी जाए ताकि ईडी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ कर पाए। हालांकि रॉबर्ट वाड्रा को निचली अदालत से जमानत नहीं मिली है, लेकिन ईडी ने जमानत देने के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका लगाई है। एयर होस्टेस गीतिका शर्मा को खुदकुशी के लिए उकसाने से जुड़े मामले में आज भी दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई जारी रहेगी। इस मामले में हरियाणा के पूर्व मंत्री गोपाल कांडा के खिलाफ आरोप है। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरोपी के पेश न होने की कड़ी नाराजगी जताई थी। पीएम मोदी की शिवाजी महाराज से तुलना करके लिखी गई किताब का महाराष्ट्र में विरोध हो रहा है। महाराष्ट्र के सोलापुर में संभाजी ब्रिगेड नाम की संस्था ने किताब के लेखक जय भगवान गोयल का पोस्टर भी जलाया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि शिवाजी की तुलना किसी से भी नहीं की जा सकती। पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने शिरडी के साईं बाबा के दर्शन किए। सचिन के साथ उनकी पत्नी अंजलि और बेटा अर्जुन भी मौजूद था। सचिन तेंदुलकर पूरे 10 साल बाद साईं के दरबार पहुंचे। मंदिर प्रशासन की तरफ से सचिन को साईं की विशेष शॉल और मूर्ति भेंट की गई। नासिक से नई फसल आने के बाद दिल्ली की थोक मंडी में प्याज की कीमतें घटकर 20 से 30 रुपए किलो तक रह गई है। इसके बावजूद खुदरा बाजारों में अब भी 60 से 70 रुपए किलो के दर पर प्याज बेचा जा रहा है। आशंका जताई जा रही है कि महंगी प्याज के नाम पर अब जमाखोरों ने काला धंधा शुरू कर दिया है और वो लोगों में जानकारी ना होने का फायदा उठाकर उन्हें महंगा प्याज बेच रहे हैं। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बीती रात को हुए सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। एक बेकाबू बस ने कार में टक्कर मार दी। हादसे में 4 लोग बुरी तरह घायल हैं। 2 हफ्ते पहले ही ग्रेटर नोएडा में एक कार नहर में गिर गई थी, जिसमें एक ही परिवार के 6 लोग मारे गए थे। आम्रपाली ग्रुप को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सोमवार को आम्रपाली बायस के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने ईडी को आम्रपाली ग्रुप के डायरेक्टर को कस्टडी में लेने की इजाजत दे दी है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली से जुड़े शिवप्रिया, अनिल शर्मा, अजय कुमार को भी कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की मंजूरी दे दी है। रतलाम के जिला अस्पताल में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। अस्पताल के आईसीयू में भर्ती एक मरीज के पैरों के अंगूठों को चूहों ने कुतर लिया। फिलहाल मरीज के अंगूठों का इलाज चल रहा है। घटना पर जिला अस्पताल के मुख्य चिकित्सक ने विचित्र बयान देते हुए इसे मरीज की लापरवाही करार दिया है। फर्रुखाबाद में प्राइवेट अस्पताल की लापरवाही से नवजात बच्चे की मौत हो गई। आकाशगंगा हॉस्पिटल में भर्ती कंचन की सोमवार सुबह ऑपरेशन थिएटर में डिलीवरी हुई थी। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर कंचन को ओटी में छोड़कर चले गए। आरोप है कि उसी दौरान ओटी में घुसे कुत्ते ने नोच कर बच्चे को मार डाला। हापुड़ के जेडी अस्पताल में रविवार की रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब कुत्तों से बचने के लिए एक बारासिंगा अस्पताल में घुस गया। बारासिंगा देख मरीजों में अफरा तफरी मच गई। बारासिंगा के घुसने से हुई अफरा तफरी की घटना वहां लगे सीसीटीवी में रिकॉर्ड हो गई। कुमाऊं के काशी बागेश्वर में मकर संक्रांति के लगने वाले ऐतिहासिक उत्तरायणी मेले में लोग इस बार नाव की सवारी भी कर सकेंगे। नगर पालिका ने सरयू नदी में नाव चलाने के लिए जगह जगह उसके पानी को रोका है। इसके साथ ही नाव चलाने के लिए नाविक को भी बुलाया गया है। यूपी के बिजनौर को एनीमिया और दूसरी जानलेवा बीमारियों से लड़ने के लिए धार्मिक स्थल से लोगों को जागरूक करने की अनूठी पहल की गई है। मस्जिद में नमाज से पहले इमाम साहब जानलेवा बीमारियों से बचने के लिए जरूरी टीकाकरण की अपील कर रहे हैं। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का पहला मैच आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। भारतीय टीम हाल ही में श्रीलंका के खिलाफ T20 सीरीज में जीत दर्ज कर चुकी है। ऐसे में विराट कोहली की अगुवाई वाली टीम इंडिया बुलंद हौसलों के साथ मैदान पर उतरने के लिए तैयार है। दोपहर 1:30 बजे मैच का प्रसारण किया जाएगा।